नमः कुंज विहारिणै नमः कुंज विहारिणै नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनो हरिदास पदाम्बुजे वसतु शरवदुरासु विनाशके तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे बपुरिदं विपनान्नतो यातु मे मूर्धुना नमामो हरिदासु पादम् वाचा वदामो हरिदासु नाम पश्याम दृगभ्यामु हरिदासु मूर्ति साधो न विदभो हरिदासतोऽन्यम् वृन्दाटवीरजयपात्रम् मस्माकं कानकं मतं कंथाचामूल्यकं वस्त्रं व्यासोपास्यं च जीवनम् वृन्दाटवीरजयपात्रो निधवरण्य निवासकृत् गान विद्या निधानो यः स स्वामी शरणं हिनः। प्रेमी रसिक जनों, महामहिम अति कृपा स्वरूप हम दासन के प्राण स्वरूप जिनकी प्रशस्ति करते करते जीवन को जीवन ही चलो जावे है, फिरहु ना हो सके है, ऐसे प्राणों के नाथ स्वामी जी महाराज के प्राण सर्वस्व लाडले बांके ब्यारे जू, ये लाडली लाल जू, सर कौन करे मेरी प्यारी की, लाडली जू की सर भलो कौन कर सके है बरोबरी, धन्य वैसी लाडली और धन्य वैसी लाल और धन है ऐसे स्वामी जू महाराज ललिते जू और धन वृंदावन सहचरी बाल। प्रेमी जनों, साधक के लिए बड़ी बड़ी बाधा हैं, बहुत सी बाधाओं में साधना भी करते कराते एक ऐसी भी बाधा है कि अगर उसका अंश मात्र भी मन में रहा, चिंतन में रहा, तो भी संसार में जन्म लेना पड़ जाता है। जैसे कि पूर्व प्रसंग में सुना आपने, क्योंकि साधक के लिए बहुत बड़ा बाधक है और यथार्थ में इस रोग का निवारण नहीं होता है, तो प्रेमी जनों साधक को चलते 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 भी स्वरूप ज्ञान नहीं होता है, नहीं हो सकता है। पूर्व प्रसंग में आपको बताया, भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, भगवत नित्य विहार नैन शंकर का तीजा जाति वर्ण कुल धर्म
कर्म राखत नहीं बीजा, जाति वर्ण आदि इसका बीज भी नहीं रहना चाहिए मन में। तो आज के प्रसंग में महाराज श्री बहुत जोर देके हम दासों को समझाते हैं। सुनिए आप बड़ी महत्वपूर्ण बात, एक एक शब्द आचार्य जनों के हृदय में अमृत स्वरूप स्वीकार करके रखने के हैं, क्योंकि माया का बहुत बड़ा आवरण है। जन कौन से कारण से माया घेरा डालती रहती है। भक्ति में कहा जनेऊ जात, महाराज श्री बोले अरे बाब रे, जो हरि की प्रेममयी भक्ति है उसके तुम राही हो, उसके तुम चाही हो, तो जनेऊ और जाति इससे संबंध क्यों? बड़ी कड़वी बात है, अलग प्रकार की। अधकचरे साधकों को ये बड़ी बुरी लगेगी, यथार्थ इनका विवेक उज्जवल है उनको अमृत में लगेगी। महाराज श्री ने साखियों में भी बताया, अरे जाति को लालच करे और तू करे भक्ति की होश, घर खाने मिश्री चहे यह राड़न की रोस। महाराज श्री बोले अगर तेरे मन में भक्ति करते करते जाति का लालच है कि मैं इस बड़ी जाति का हूं या बहुत बाहुल्य बहुत बहुमत है उस जाति का हूं या छोटी का हूं उसका हूं, कहने का तात्पर्य ब्राह्मण क्षत्रिय सो नहीं काज हो तो श्री स्वामी हरिदास को चेरो। बिहारी महाराज, हमको ब्राह्मण क्षत्रियों से कोई लेना देना नहीं, अगर जाति के ऊपर जाए तो श्री स्वामी बिहारी जी महाराज ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए, लेकिन महाराज बोले हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो स्वामी जी महाराज के दास हैं, रसिक अनन्य हमारी जात, हमारी जाति रसिक अनन्य भाव रसिकता है, स्वामी जी की दास हैं यही हमारी जाति है। बिहारी जी महाराज के दास हैं, लाडली लाल के दास हैं, वृंदावन जी के दास हैं, यही हमारी जाति। तो जाति को लालच करे और तू फिर करे भक्ति की होश, ये बड़ा शुद्ध सिद्धांत है। ये हरि प्राप्ति अगर ये कमी रह गई किसी के अंदर तो प्राप्ति नहीं होगी, ये कड़वा सत्य है। घर खाने मिश्री चहे यह राड़न की रोस। अरे बुद्धू, तेरे काम तो जो पशु खाते हैं खर, खर खाने वाले हैं, लेकिन तू चाहना मिश्री की कर रहा है। कहने का तात्पर्य अगर जाति में लालच करेगा तो हो सकता है तुझे पशु बनना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, बिगड़ जाएगा मामला। खर खाने मिश्री चहे यह राड़न की रोस। राड़ माने चवार, जो संसार में जातियां होती हैं चर्म चर्मकार, जो चमड़े की पहचान करते हैं, चर्मकार को चमड़े की पूर्व समय में बहुत पहचान होती,
आपका समय कुछ अलग प्रकार का हो गया होगा। तो महाराज बोले, तू हरि भक्त नहीं है, अगर तेरे हृदय में जाति का आवेश है तो श्यामा श्याम का आवेश, अनन्य भक्ति का, रसिकता का ये आवेश कैसे आएगा? नहीं आएगा। कड़ बात करे भक्ति की हो, खर खाने मिश्री चहे, मिश्री चाहता है, काम तो तेरे खर खाने के पशु के हैं, तू तो चरमकार सदृश है, केवल चमड़े की, देही को देखे नहीं, जो देखे सो देह, तू देही को, आत्मा को, हरि के दर्शन नहीं करता है प्रत्येक प्राणी के अंदर, केवल जाति पे ध्यान रहता है, भक्ति में नहीं, जनेऊ जात। महाराज श्री ने पद के माध्यम से तो बताया, ये साखियों में भी बहुत वर्णन किया है, एक एक कमियों को निकालना आचार्यों का कर्तव्य है, संत रसिकों का, ये बहुत बड़ी कमी है, इसका पता भी नहीं चलता है। वृक्त महात्मा को भी देखा है, उनके अंदर कूट कूट के जाति अंश भरा पड़ा होता है। तुम्हारा श्री बोले, कभी प्राप्ति होने वाली नहीं है, यहां के यहीं रह जाओगे। सावभूषण तो भक्ति में कहा जनेऊ जात, जनेऊ जाति भक्ति में नहीं, प्रेमा भक्ति। हमने बड़ों से सुना, श्रवण किया, हमारे परम गुरुदेव जी श्री टटिया स्थान में, श्री श्री इकसाठ श्री राधा चरणदास जी महाराज, तो जैसे किसी को रसोई में सेवा लेनी है और वो बड़ा अच्छा कारीगर है भंडार बनाने का, और बड़ी रसोई है, कोई बड़ा भंडारा है, सामान्य में तो संत ही अपने आप बनाते रहते हैं, लेकिन कोई अच्छा जो है भंडार बनाने वाला कारीगर है, हलवाई घर तरीके का, उससे सेवा लेनी है और उसके जनेऊ धारण है, ब्राह्मण कुल से है, जनेऊ धारण है, चाहे गृहस्थी है चाहे साधु है, महाराज बोले जनेऊ तो नहीं है, तिलक स्वरूप लगा हुआ है, लेकिन जाति का लालच रखते हैं ना बहुत लोग, वैष्णव दीक्षा होने के बाद भी, लेकिन रसिकता में स्वामी जी के घराने में जो रसिक जन है, वृंदावनी रसिक जन, प्रेमी जनों जो रखते हैं वैष्णवता में, वो उनके रीति अलग प्रकार की है, वो कोई खंडन नहीं, लेकिन वृंदावनी रसिकता में इसका प्रवेश नहीं, विषय यह है। तो महाराज बोले, अगर भंडार में सेवा में जाना है तो जनेऊ को उतार के लता पे टांग दे, जब प्रवेश करना हाथ धोके, बोलो बिहारी जी महाराज, ऐसी बड़ों की रीति देखी। तू भक्ति में का जनेऊ जात, बहुत तेरे उदाहरण आप सुनते रहते हैं, भीलनी का उदाहरण, बड़े बड़े वेद पाठी, बड़े बड़े तपस्वी त्यागी, महात्माओं का त्याग करके, तपस्वियों का त्याग करके भगवान भीलनी के द्वारे पे सबसे पहले भीलनी से मिले। अन्य तपस्वी लोग कहने लगे, बताओ ऐसी अपावन भीलनी, कहीं रघुपति शून्य भामिनी बाता, उधर जो है वो भी छिप रही थी, मैं कुरूपा हूं, मैं अवगुणशाली हूं, भक्त अपने आप को गुणवान नहीं, दीनहीन मानता, ये स्वरूप होता है शरणागति, अपने को कुछ नहीं मानता है, हे प्रभु मैं तो आप दीनहीन हूं, आपके लायक कैसे आप ही बना सकते हो, छुप रही थी, कैसे मिलूं प्रभु से, मेरे प्रभु
कोई कष्ट तो नहीं होगा मुझे देखने से, मैं तो हर तरीके से अपवित्र हूं, ऋषि लोगों ने मुझे त्याग दिया है, अपावन अपावन, इसलिए महाराज भी कहीं दुखी न हो। दर्शन भी करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि 10,000 यानी 10,000 वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है कि प्रभु अवश्य मिलेंगे। गुरुदेव ने कह दिया अवश्य मिलेंगे, तुझे प्रभु के दर्शन होंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद है, मुझे अवश्य मिलेंगे। और प्रभु आ गए और 10,000 से बाट निहार रही हूं, 10,000 वर्ष से रोजाना सोहनी लगानो सेवा करनो, आज मेरे राम, ऐसी प्रतीक्षा बराबर साधक के हृदय में रहनी चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। दिल प्रति अब लियो ऐसी जी हुई, अब मेरे प्रभु मिलेंगे, आज मेरे बिहारी जी महाराज की झांकी होगी, आज मेरे, क्योंकि दूर कहां है, दूर तो तुम हो, वो दूर थोड़ा ही है, तुम्हारे हृदय कमल में ही बैठे हुए हैं, लेकिन प्रकट रूप में कब आते हैं, साक्षात्कार कब होता है, वो उनकी इच्छा है। नाम जप चिंतन मनन गुरु गुरुदेव के बताए हुए रास्ते का अनुपालन ठीक ढंग से करते हैं तो निश्चित ही प्रभु सामने खड़े हैं। स्वामी जी महाराज मिले हुए हैं, मिलना सीखो, उनका चिंतन मनन ध्यान करते हैं एकाग्र स्थिति में, तो साधक का लिए ही मिलन है। सिद्धों का साक्षात्कार और साधक का चिंतन ध्यान करना ही मिलन माना जाता है। ये ध्यान अवस्था ही धीरे 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 बहुत दिवस सुमिरन कियो, एक उजिकन उनिहार, और पूर्ण प्रेम जब प्रगट भयो तो मिल भेटी अकवार। देरी नहीं, इष्ट तो बाट निहार रहे हैं, देरी तुम्हारी है, तुम्हारी जो लगन है ना बहुत धीरे धीरे, बहुत छोटी है, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी भी है लेकिन बराबर रखिए, चाहे धीरे चलिए लेकिन लगातार चलिए, हमेशा निरंतर चलिए, बराबर उस चाल को वृद्धि करिए, कम मत करिए, चाहे पाठन पठन की, चाहे नाम जाप की, चाहे दर्शन पर्शन की, जो भी चाल है हरि संबंधी, हरि समर्पण साधना की चाल, उसको वृद्धि करते रहिए, कम मत करिए, ये ध्यान रखिए। पूंजी को बढ़ाइए, कम मत करिए, तब तुम साधक हो। किसी भी संसारी आवरण के कारण उसको कम कर देते हैं तो साधक की रीति ठीक नहीं, बढ़ाइए, चाहे थोड़ा बढ़ाइए, बढ़ाते चलिए। करना तो यह है तीव्र भक्ति योगेन, तीव्र चलना है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, तीव्र भक्ति हो गई, लेकिन फिर भी निरंतर चलिए, रुकिए मत। आश्रय एक आश्रय, प्रभु के आश्रय आवई सो कहिए निज दास, अनन्य आश्रय। भीलनी से बोले भगवान, मिल गए भीलनी, कहे रघुपति स्वयं मिल गई ठाकुर भीलने से, संकुचित हो रही है बेचारी, कहे रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता, हे भामिनी मैं एक भक्ति का नाता मानता हूं, जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म नाना प्रकार के संसार की बड़ाई, धन वल गुण चतुराई, परिजन गुण चत, कितने लोग हैं, कितना बहुमत है, कितने गुण हैं, ये सब नहीं, भक्ति का, अनन्य भक्ति का गुण है कि नहीं, अनन्य भक्ति पे प्रभु रीझते हैं, प्रेमी जनों नहीं चूकना है।
अपने साथ धोखा नहीं करना है जातीय आवरण को स्वीकार करते हुए। महाराज इस पद के माध्यम से ये बहुत खतरनाक अवगुण को दूर करने की कह रहे हैं। जो साधक समझ नहीं पाता इस बात को, व्रत होने के बाद भी लोग नहीं समझ पाते हैं, ये बहुत अनुभव की बात है। क्यों साधे चिरपन सब भूषण दूषण बिन प्राणन पति छुबे घरन घिनात। जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, तो जाति शरीर की होती है। अब उस कैसे सुंदर शरीर को प्राण जाने के बाद में उनकी स्त्री भी नहीं स्पर्श करना चाहती है, स्त्री भी दूर दूर रहना चाहती है कुछ समय के बाद ही। छुबे घरन घिनात, ऊपर ऊपर से निभा रही है रीति को लेकिन घिना भी रही है। कहने का तात्पर्य ये समझना है, क्यों साधे चिरपन अभिमानी। अरे वही तो तन था, अब क्यों घिना रही है? प्राण निकल गए, शरीर तो वही है, इसलिए जाति शरीर की है, आत्मा की कोई जाति नहीं है। और जो शरणागति स्वीकार करते हैं उनकी दृष्टि आत्मा की तरफ है। शरीर तो जन कितनी बार मरा और कितनी बार जन्म हुआ, ये तो पंच तत्व का रचित है, लेकिन अजो नित्य शाश्वतो यम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वो जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी वो नष्ट नहीं होती है, वो आत्मा, वो तुम्हारा स्वरूप, सहचरी स्वरूप, उसका चिंतन करिए, वो तुम्हारा स्वरूप है। जाति का चिंतन करे तो दोबारा जाति ही प्राप्त होगी, हरि प्राप्त नहीं होंगे। क्यों साधे चिरपन अभिमानी बड़ी जाति तुरात। अरे अभिमानी, बड़ी जाति प्राप्त करके तू इतरात आए ना, यहीं का यहीं रह जाएगा, यहीं का यहीं। वा सरसों कैसे सर पावे जदपि उजारी रात। उजारी रात कितनी भी उज्जवल लग रही है लेकिन दिन की होड़ थोड़ी कर सकती है, दिन तो दिन ही है, रात तो रात ही है, कितनी भी उजारी हो रही है। ऐसे ही संसार में चाहे जाति का विशेष महत्व है बड़ी जातियों का, लेकिन जब हरि भक्ति रूपी दिन का उजाला होता है तो बहुत बड़ी उजाली भी उस दिन के प्रकाश की होड़ कभी नहीं कर सकती है। कहा हरे रंग भांग बिराजे तुलसी में न समात। तुलसीदास जी महाराज का एक तुलसी नाम आते एक उदाहरण, संत महापुरुषों की पंगत होती, पूर्व प्रसंग है। श्री तुलसीदास जी महाराज बाद में पहुंचे, नाभाजी आदि का, तो सोच रहे कि माला तो बन गई, भक्तमाल जो भी है, लेकिन माला में सुमेरु स्वरूप कौन? तो तुलसीदास जी ने देखा कि अंदर का प्रांगण सभी संतों से भर चुका है, प्रसाद पा रहे हैं, हम आने में देर कर चुके हैं और प्रसाद लेना जरूरी है,
और यहाँ के अधिकारियों को कष्ट भी ना हो कि हम देरी में आए हैं तो, और प्रसाद भी मिल जाए, अब जगह अंदर है नहीं। तो श्री तुलसीदास जी और सहज द्वारे पे ही बैठ गए, जहाँ जूता चप्पल पड़े थे वहाँ तक भी पंगत लगी हुई थी। पंगत में परोसने वाले आए, तुलसीदास जी ने एक संत का जूता उठा के, और वो खीर परोस रहे थे, उनके सामने कर दिया, हे प्रभु इसी में डाल दो आप। खीर उसी में डाल दी जल्दी में, उनसे पहचान में भी नहीं आए, और प्रेम से उस खीर को ठाकुर जी का नाम लेके पी रहे हैं। धन्य हो ऐसे संत जन। संतों के श्री चरणों में न कोई जाति का मतलब है, न कुछ, संत भेष भक्त भेष, कितनी बड़ी श्रद्धा है, है? संत की पनही को संत के उच्छिष्ट से भी ज्यादा मान लिया। तुलसी जिनके मुखन ते धोके उनिक सतनाम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। तुलसीदास जी कहते हैं जिनके मुख से ये ऐसी आस्था होती है इष्ट के प्रति, तभी इष्ट प्राप्त होते हैं। तुम स्वामी जी के जन हो, प्रेमी जन, दृढ़ता स्वामी जी के चरणों में। तुलसीदास जी की वाणी को देखो, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, धोखे उनके सतनाम, जिनके मुख से धोखे में भी राम जी का नाम निकल जाता है, ताके पग की पग तरी, उस प्राणी के चरणों की पादुका, चरण दासी पग तरी जूता चप्पल, मेरे तन को चाम, मेरे तन को चाम सदृश, यानी मैं अपने शीश पे चढ़ाऊं। अगर कोई धोखे से भी ठाकुर जी का नाम लेता है वो मेरा पूज्य है। प्रेमी जनों, ऐसे ईर्ष्या द्वेष को त्याग के ऐसा प्रेम स्नेह आपस में कोई श्रीहरदास करता है, वो प्राणों के समान होना चाहिए। लाख लाख भर श्रीहरदास नाम सुनाने वाले तो ये सजाती रहेंगे, ठाकुर जी का हरि का नाम सुनाने वाले ये तुम्हारे सजाती, जैसे भी बिचारे, कोई कैसे भी हैं, कोई कैसे भी हैं, स्नेह उनको सुधारने का प्रयास करो, उनसे ईर्ष्या द्वेष मत करो, तब तुम्हारी महानता है। ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष अगर कहीं भी हैं, हरि प्रसन्न कभी नहीं होते। एक एक कमियों को प्रेमी जनों निकालते चले जाओ, सत्संग का मतलब यही है। कहा हरे रंग भांग बिराजे, तुलसी में न समात। हरे रंग की भांग होती है और हरे रंग की ही तुलसी होती है। हो सकता है कि भांग की कीमत जब अंकन करी जाएगी संसार के तौर पर, तुलसी से भी ज्यादा हो भी सकती है जब खरीदने में, लेकिन तत्व में, भावना में, रसिक जनन के, प्रेमी जनन के, भक्त जनन के संबंध में, इनकी तोल में भांग और तुलसी, तुलसी साक्षात हरि स्वरूप स्वीकार करी है, और भांग तो मदमाते लोगों की एक व्यसन है। साधु संत लेते हैं भांग, वो उनकी अलग प्रकार की क्रिया है, किसी की होड़ नहीं करनी चाहिए और न किसी की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने किस तरीके से, किस उद्देश्य से स्वीकार किया है वो उनकी रीति है, लेकिन प्रेमी जनों तुम होड़ मत करो किसी की, तुम
अपने स्वरूप में मगन रहो। यहां भांग की और उसकी बात नहीं, यहां कह रहे हैं महाराज कि तुलसी जिस प्रकार चाहे कीमत कम है लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा है, साक्षात हरि स्वरूप है। ऐसे ही संसार में जाति बड़ी जातियों की कीमत चाहे संसार में बड़ी हो लेकिन जब हरि भक्ति हरि मिलने की बारी, संसार से उदासता, संसार के आवरणों का नाश, हरि प्रेम विराजमान, श्यामा श्याम की प्रसन्नता, वृंदावनीय सुख, हरि संबंधी सुख, तो फिर जाति का कोई महत्व नहीं रहता है, केवल और केवल तुलसी का ही महत्व रहता है। तुलसी समझो हरि शरणागति और भांग समझो संसारी आवरण जाति, समझ गए होंगे आप। बहुत से उदाहरण देके इस महान अवगुण को जो बहुत धोखेबाज है, जाति में मन होना, महाराज निकालना चाहते हैं। सो है नहीं सुहागिन के संग, सोत सुरेत कुजात। महाराज श्री बोले सुहागिन स्त्री है, सौभाग्यवती है और अपने पति के श्री क्षणों में अनन्य अनुराग भी है, अनन्य प्रेम है, उसको पतिव्रता बोलते हैं संसार। सौत सुरेत कुजात, तो जो सौत है सुरेत कुजात है तो एक सुहागिन की और पतिव्रता की होड़ वो कैसे कर लेगी। उसी प्रकार ये अनन्य शरणागति रसिक जन प्रेमी जन, इनकी होड़ संसार में उच्च वर्ण वाले लोग, चाहे ये किसी भी वर्ण में हो या निम्न वर्ण के हों या उच्च वर्ण के हों, ये रसिक रसिक अनन्य हमारी जात, लेकिन संसारी आवरण संसारी जाति में मन रखने वाले वो कभी उनकी बरोबरी नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार पतिव्रता सुहागिन स्त्री की बरोबरी संसार की जो है व्यभिचारिणी स्त्री नहीं कर सकती है। वर्णाश्रम अपने अपने मत तिन तिन ही सोपान। वर्णाश्रम में तो ये रीति है अपनी अपनी जातियों से जिस जिस मत के होते हैं उसी में उनका विशेष विशेष लगन और आसक्ति होती है, अन्यों से कुछ द्वेष भावना भी रखते। ये वर्णाश्रम का मामला अलग प्रकार का होता है, लेकिन भक्ति की जो रीति है प्रेमी जनों, ये भी कह रहे हैं महाराज श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज, बेटा बेटी भाई अगर तुम ग्रस्त मार्ग में हो तो तुमको बेटा बेटी का संबंध करना है तो वहां जाति से काम ले लीजिए। बेटा बेटी ब्याहिए तहां उघटिए जात, और जब भक्ति का भेद भक्त उसी समय थोड़े समय के लिए कार्य ले लीजिए जाति से, मन में नहीं केवल व्यवहार में। बेटा बेटी ब्याहिए तहां उघटिए जात, और भेद भक्ति में जो करे तां भक्त भज्जात। जो भक्ति में भेद किया जाति के कारण से तनक मात्र भी, शास्त्र उसकी बहुत बड़ी निंदा करते हैं। श्री नारद जी महाराज कोई भी आचार्य जन सब निंदा करते हैं, नरको यान्ति ध्रुवम, निश्चय ही वो नरक में जाता है जिसके अंदर भक्त की जाति की गणना होती है। नारद जी महाराज तो वर्णाश्रम अपने अपने मत तिन तिन ही सोपांत, भगवत धर्म शिरो मन सेवत, लालच मति भ्रम जात।
जो श्रोमणी धर्म है, भगवत धर्म है, रसिकन की रीति है, प्रेमी जनों की, शुद्ध भक्तों की रीति है, श्रोमणी स्वरूप है ये धर्म, सेवत लालच मति भ्रम जात, इसी का दृढ़ता से अनन्य भाव से सेवन करना चाहिए। और जाति के भ्रम में, लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ये भगवत मार्ग, हरि संबंधी रसिकता का मार्ग, शिरोमणि मार्ग है। इस मार्ग पर दृढ़ता से चलना चाहिए, ढील नहीं। गायत्री संध्या तर्पण तजे, महाराज बोले गायत्री संध्या तर्पण पूर्व किसी का अभ्यास है, अब रसिकता धारण कर ली है, अगर उसी मार्ग पे हैं तो चलते रहो तुम्हारी जैसी इच्छा। लेकिन तुमने शुद्ध भक्ति, शुद्ध वैष्णवता अथवा रसिकता को स्वीकार किया है तो ये सब छोड़ना होगा और उसमें ही लगे हुए हैं उसी रास्ते पे, तो करते रहो भैया। देखो तुम्हारा अलग रास्ता है, वो अलग प्रकार का है, लेकिन शुद्ध हरि भक्त रसिकों का रास्ता अलग है। तो गायत्री संध्या तर्पण तजे, भजमाला मंत्र सजात, महाराज बोले माला मंत्र सजातियों का संग ये करना हमको, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया उसका जाप करिए अखंडता से, श्री हरदा श्री हरदा श्री हरदा श्री कुंज विहारी श्री हरदा, सब कुछ हो गया। श्री हरदास नाम की छाप, जाकी रसना जग मगे, ताको पूरो जाप, पावे नित्य विहार को, उसको नित्य वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। तुम्हारा श्री भजमाला मंत्र सजाती, महाराज बोले सजातियों का संग, और सजातियों में से भी दृढ़ करके समझ के, सब सजातियों में से संग सबका नहीं करना चाहिए, समझ ले कौन का, सेवा सबकी करना चाहिए, लेकिन प्रगाढ़ जो संग है वो समझ के करना होता है। बिहारी दास को सुख सर्वोपर, वेद विदित विख्यात, महाराज श्री बोले जो बिहारी दासों का, हरि के दासों का जो सुख है, जो स्वामी जी के दासों का जो सुख है वो सर्वोपर है, बार बार समझ लीजिए। वेद विदित विख्यात, वेद प्राण शास्त्र, श्री हरदास नाम निज अमृत, ये सब मंत्रण को सारा, आगम निगम पुराण पुकारे, श्री गुरु रूप हमारा, गुरु रूप ये श्री हरदास नाम अति पावन पवित्र, जिस नाम को स्वयं प्रिया प्रीतम जाप करते हैं, स्वामिनी श्याम अनन्य भजे, भ्रम दूर कियो तिनकी बलिहारी, श्री बिहार दास के भेद नहीं, हरिदास किन्हो हरि आप बिहारी, ऐसा पावन पवित्र और सर्वोपर वस्तु प्रदाता अखंड रूप से ये नाम जाप करना चाहिए। अन्य नाम सब प्रशंसनीय पूजनीय, लेकिन स्वामी जी के जनों को केवल और केवल श्री कुंज विहारी श्री हरदास नाम ही जाप करना चाहिए। और जैसे जैसे साधक हैं, जैसे जैसे जिनके मंत्र हैं, नाम हैं, नाम की धाम की अनन्यता होनी चाहिए सभी साधकों के अंदर। श्री बिहारी दास को सुख सर्वोपर, ये मनुष्य जन्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, अगर इसको हम व्यर्थ में ही गमा देंगे तो ये जीवन जीवन नहीं है। जीवन को पशु के समान माना जाता है, हरिबिन कूकर शूकर हुए हों, आचार्य जन कहते अगर हरि का भजन नहीं करते हैं
तो निश्चित ही कुछ समय के उपरांत तुमको कुत्ता गधा सूहर बनना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। महाराज श्री बोले अखंड रूप से नाम जाप, इष्ट का नाम जाप करना चाहिए। तो बिहारी दास को सुख सर्वो पर वेद विदित विख्यात, वेद पुराण शास्त्र गीता जी भागवत जी, नाम की महिमा, नाम की महिमा। शुलवम भगवत नाम जिव्या शुभ सुवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यमत है परम। जिव्या तुमको मनुष्य जन्म मिला, जिव्या दई नाम जाप करने के लिए हरि का नाम जाप नहीं करते हैं, उसके फल स्वरूप अनेकानेक योनियों अधम योनियों में जाना पड़ता है, अनेक नरकों की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, तो तुमसे बड़ा अपराधी कौन होगा जो भारत भूमि मिली, वृंदावन धाम ब्रज भूमि मिली, उसमें रहकर ठाकुर जी का स्मरण चिंतन मनन इससे संबंध बन गया और फिर भी बहक रहे हैं, अपने आप को बहका रहे हैं और समझते हैं हम तो बहुत बड़े हैं। बड़े नहीं, महाराज बोले तुमने अपने आप को धोखा दे दिया है, इसलिए धोखे से बचना है। प्रेमी जनों, आज का प्रसंग आपने समझा, जो महान अवगुण है उसको और उसके और भी संबंधी अवगुणों को त्यागना है, तभी हमारे प्यारे प्रीतम हम दासों पर कृपा करेंगे। थोड़ी सी कमी से भी जो है अंतर पड़ जाता है, थोड़े से, इसलिए एक एक कमियों को उनकी कृपा से, रसिकता के हिसाब से, वैष्णवता के, शुद्ध भक्तता के हिसाब से स्वीकार करना है, कमियों को निकालना है और आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। स्वामी जी महाराज की जय।